साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम जो केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो सहायता बनाई है तो हम हर सहायता का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इस सहायता का जो नाम है उसका नाम है औद्योगिक संबंध सहायता 2020, अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। ये औद्योगिक संबंध जो सहायता है ये जो तीन पिछले कानून है उनका जगह लेगा, जिसमें पहला कानून है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो साथियों हम देखते हैं कि तीनों कानून अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेजों के समय में बने और अंग्रेजों के समय में हमारे देश की जो मेहनतकश वर्ग है, जनता है, उसने संघर्ष करके इन कानूनों को बनवाया। जिन कानूनों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म करके ये सहायता बनाई है, इसके अंदर जो अधिकार थे जो अंग्रेजों के समय हमने पाए थे उन अधिकारों को कमजोर किया है, खत्म किया है इस सहायता के माध्यम से। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। इसमें इतने सारे रास्ते खोले हैं और रास्ते इस तरीके से खोले हैं कि सरकार को अब संसद में या राज्यसभा में जाने की जरूरत नहीं है कानूनों को बदलने के लिए। तो ये सबसे बड़ा धोखा है कि अब ऑफिस ऑर्डर से जो भी कानून बदलना होगी सरकार उसको बदलेगी। इसका प्रस्ताव भी इस संहिताओं के अंदर इस सरकार ने पारित किया है, जिसमें जो कुछ शब्द हैं, जिसमें एक उपयुक्त सरकार, बहुत सारे कानूनों के साथ में हर जगह आखिर में लिख दिया कि उपयुक्त सरकार जैसा चाहेगी वैसा इसको कर सकती। तो एक शब्द है जो उपयुक्त सरकार, मतलब उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार भी नहीं है, उपयुक्त सरकार। दूसरा साथियों उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है इन संहिताओं के अंदर, जिसमें बहुत जगह लिखा है कि जैसा जैसा कि निर्धारित किया जाए, जैसा निर्दिष्ट किया जाए, जैसा निर्धारित किया जाए, जैसा निर्दिष्ट किया जाए। तो ये इन शब्दों का भी बहुत ही घातक तरीके से उपयोग इन कानूनों में किया गया है। इस प्रकार से साथियों इन्होंने जो शब्द हैं उपयुक्त सरकारें, निर्दिष्ट, निर्धारण और गठन, इन शब्दों का उपयोग करके इस पूरे कानून के पीछे सारे दरवाजे खोल दिए हैं, सारे चोर दरवाजे खोल दिए हैं। किसी भी तरीके का संशोधन करने का, बदलने का और भी इसको बुरे से बुरा करने का रास्ता इस सरकार ने साथियों बना दिया है। इसके बाद भी साथियों उन्होंने एक चीज और इसमें पारित की है कि ये जो कोड है, ये कानून है, किसी विशिष्ट संस्थानों में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में इन कोडों से, इन कानूनों से मुक्ति दी जा सकती है। मतलब सरकार चाहे तो ये कोई एरिया या ये कोई सेक्टर घोषित कर सकती है कि इस सेक्टर में ये कानून लागू नहीं होंगे। इसका रास्ता भी खोल लिया है, ये भी इन संशोधनों के साथ इस सरकार ने इस संशोधन को भी पारित करा लिया है। ये औद्योगिक संबंध संहिता जो है, ये जो श्रमिक हैं उनके जो मूल अधिकार हैं, मुख्य अधिकार हैं, उनसे संबंधित है, ताकि मजदूर खुद को ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित कर सकें और सामूहिक रूप से आंदोलन कर सकें और सामूहिक रूप से सौदेबाजी कर सकें। जो श्रमिकों से जुड़ी शिकायतें हैं, शिकायतों के निवारण के साथ में शोषण और मूलभूत अधिकारों पर हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, ये संहिता का उद्देश्य है। जबकि साथियों ये संहिता मूलभूत अधिकार थे श्रमिकों के, जो शोषण का को रोकते थे, उन सभी मूलभूत अधिकारों को खत्म करके एक शोषणकारी तंत्र की व्यवस्था करता है। तो इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बिल्कुल उलट ये संहिता का जो है कानून के अंदर लिखा हुआ है कि सरकार ने कहा कुछ है और सरकार ने किया कुछ है। ये धोखा है जो श्रमिकों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अब हम साथियों संशोधनों पर चर्चा शुरू करते हैं। तो साथियों जो सबसे पहला संशोधन किया वो किया फिक्स्ड टर्म कर्मचारी। फिक्स्ड टर्म कर्मचारी का मतलब है नियत अवधि कर्मचारी, और ये ऑप्शन बनाया नियत अवधि कर्मचारी, मतलब एक साल के लिए रखो आप, एक साल बाद हटा दो, दो साल का एग्रीमेंट कर लो, दो साल के लिए रखो, दो साल बाद हटा दो।
तो ये रास्ता खोला रखने का और हटाने का, ये व्यक्ति जो था ये हायर एंड फायर, जो हायर एंड फायर चाहते थे, ये हायर एंड फायर के लिए ये कानून लेके आए। और साथियों इसका एक जो तर्क से समझना है कि इस कानून को बनते ही स्थायी कर्मचारी, उसमें लिखा हुआ है कानून में, मगर स्थायी कर्मचारी का ऑप्शन ये नियतावधि कर्मचारी हो गया। जब नियतावधि कर्मचारी के रूप में कर्मचारी को रखने की छूट मिल गई तो फिर स्थायी करने का जरूरत खत्म हो गया। इसलिए जैसे ही इस कैटेगरी को जोड़ा उसी दिन से स्थायी कर्मचारी का जो जरूरत था कानूनी रूप से वो जरूरत खत्म हो गया। अब कानूनी रूप से स्थायी प्रवृत्ति के काम में स्थायी कर्मचारी को स्थायी करने का जो कानूनी दबाव था वो दबाव खत्म हो गया। ये हमको ध्यान रखना, ये सबसे प्रमुख बात है। दूसरी बात साथियों इसमें समझना है कि इसमें कहीं ये कैटेगराइजेशन नहीं है वर्क का। जैसे काम का कैटेगराइजेशन कैसा था कि स्थायी प्रवृत्ति का जो काम है, जो बारहमासी काम है, उसमें स्थायी कर्मचारी होगा, उसमें परमानेंट कर्मचारी होगा। ठेका मजदूर के लॉ में लिखा हुआ था कि जो कभी कभार काम होता है, स्थायी प्रवृत्ति के काम में ठेका मजदूर नहीं लगेगा। जो कभी कभार काम होता है, जैसे पुताई का काम है, जैसे कुछ शिफ्टिंग का काम है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का काम है, तो इस तरीके का जो वर्क है उसमें ठेका श्रमिक, उसका कैटेगराइजेशन था। स्थायी प्रवृत्ति के काम में ठेका मजदूर नहीं लगेंगे, ये लॉ में लिखा हुआ था, मगर इस लॉ को माना नहीं, ये अलग बात है, मगर लॉ में लिखा हुआ था। इस लॉ के अंदर भी नियत अवधि कर्मचारी की इन्होंने जो डेफिनेट परिभाषा है उसको नहीं लिखा कहीं कि नियत अवधि कर्मचारी किस तरीके की कैटेगरी के काम में लगाया जाएगा। इसलिए इसका छूट दिया कि जो फिक्स टर्म कर्मचारी है उससे स्थायी प्रवृत्ति के काम में भी उसको लगाया जा सकता है। तो इसलिए क्या हो गया, स्थायी प्रवृत्ति के काम का जो परमानेंट का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन इस कानून से खत्म हो गया। यानी स्थायी नौकरी का, परमानेंट नौकरी का जो ऑप्शन था वो यहां से खत्म हो गया फिक्स टर्म आने के बाद। पहली बात तो ये समझना है साथियों, जिसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा यही है। इसी धोखा से सारे कानून खत्म हो गए। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर परमानेंट नौकरी खत्म हो जाए तो फिर कानून में चाहे जो लिखा रहे वो लागू नहीं होता, क्योंकि नौकरी से निकालने का अधिकार जब मालिक को मिल जाता है, आप कुछ भी मांग करोगे, कुछ भी बात उसके सामने रखोगे तो आपसे आपको वो नौकरी से निकाल देगा। तो नौकरी से निकालने का अधिकार जैसे ही मालिक को मिला वैसे ही सारे श्रम कानून स्वतः ध्वस्त हो जाते हैं, स्वतः खत्म हो जाते हैं, वो सिर्फ कागजों में लिखे रह जाते हैं। तो इसी तरीके का जो ये नियतावधि कर्मचारी लेकर के आए, इसने लगभग स्थायी नौकरी की कमर तोड़ दी, स्थायी नौकरी को समाप्त कर दिया। इतना काफी है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब इसमें यह भी लिख दिया कि जो स्थायी कर्मचारी हैं उनका जब वो काम करेगा, उस उनके जैसा काम करेगा तो इसको स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन भत्ते सुविधा सारी मिलना चाहिए। मगर मैं फिर ही बोल रहा हूँ साथियों कि जब नौकरी का अधिकार आपने काट दिया तो कानून में चाहे जो लिख दो उस कानून में लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठेकेदारी के कानून में भी लिखा है, ठेका एक्ट में भी लिखा है कि यदि कोई ठेका श्रमिक स्थायी प्रवृत्ति का जो काम है, स्थायी मजदूर जैसा काम कर रहा है, वैसा काम करता है तो उसको स्थायी मजदूर के बराबर सारी सुविधा, वेतन सहित सारी सुविधा मिलना चाहिए जो आज तक किसी ठेका मजदूर को नहीं मिली, वो सिर्फ कानून में लिखा है। तो सरकारों ने जो ये रास्ता खोल दिया नौकरी से निकालने का, उसके बाद से ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। और साथियों ये फिक्स टर्म जो कानून है ये एक्चुअल अब ऐसा हो गया कि ये किसी एक लेवल का मामला नहीं है, सिर्फ वर्कर्स का मामला नहीं है, ये स्टाफ के अंदर ऊपर जो मैनेजर है, स्टाफ है, मैनेजमेंट का जो वर्ग है, सभी को फिक्स टर्म में नौकरी का ऑप्शन बना दिया। उनके ऊपर तो वैसे मैनेजर और स्टाफ के बारे में तो आगे बताऊंगा मैं कि उनको तो इस कानून के दायरे से बाहर ही कर दिया, मगर इस फिक्स टर्म जो कानून है इसका इस्तेमाल वे उसमें भी कर रहे हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। ये भी प्रावधान है कि जैसे 2 साल का एग्रीमेंट किया है तो 2 साल जैसे ही खत्म होता है बिना किसी नोटिस के कंपनी मालिक उसको नौकरी से निकाल सकता है और उसके खिलाफ वो कहीं शिकायत नहीं कर सकता है। किसी भी तरीके का कोई उसको अधिकार नहीं होगा
कि वो कारखाने में स्थायी अपनी नौकरी का दावा कर सके, या ये कह सके कि मैं एक साल, दो साल, पाँच साल तक इस कंपनी में काम किया तो मुझे इस कंपनी में स्थायी होना चाहिए, स्थायी का दावा कर सके, तो फिक्स्चर में काम करने वाला आदमी किसी तरीके का कोई दावा नहीं कर सकता है। कंपनी से निकाल देने के बाद में उसका सारा अधिकार खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ ही ट्रेड यूनियन बनाने का तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने फिर कहा, नौकरी का सुरक्षा खत्म कर दिया, उसको नौकरी से भगाने का अधिकार दे दिया, तो सारा कानून खत्म हो गया। इसलिए सिर में ट्रेड यूनियन भी नहीं कर सकता, ट्रेड यूनियन भी नहीं बना सकता, क्योंकि ट्रेड यूनियन बनाते ही, ट्रेड यूनियन सदस्य बनते ही इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये गुलामी का एक नया जो तंत्र था, ये इस कोर्ट के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकसित किया, जिससे उन्होंने श्रमिक की जो प्रमुख जिंदगी के जो सवाल थे, जो स्थायी नौकरी का, जो परमानेंट नौकरी का जो अधिकार था, उस अधिकार को इस फिक्स्टर्म से खत्म किया। साथियों, सीधी तौर पर खत्म कर दिया। अब वो कानून में स्थायी श्रमिक लिखा रहेगा, मगर कोई भी कारखाना मालिक आपके बच्चे को स्थायी नौकरी नहीं देगा, आपके बच्चे अब कभी भी परमानेंट नहीं होंगे। और ये भी ध्यान रखना है साथियों, पिछले काफ़ी समय से ये फिक्स्टर्म का जो कानून है, ये पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी थी 2003 में, उसमें ये प्रस्ताव लेकर के आए थे, मगर उस समय इस प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाए थे। 2003 में भी मध्य प्रदेश की फिर जो बाबूलाल गौर की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके माध्यम से इन्होंने मध्य प्रदेश में इस कानून को पारित कराया था, और 2003 से लेकर के अभी तक मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट के रूप में इन्होंने चलाया, और इसी फिक्स्टर्म के कानून को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2018 में बदला था, स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर बदला था, और आज इस कोर्ट के अंदर बहुत ही व्यवस्थित रूप से इस फिक्स्टर्म के कानून को ला करके और इस कोर्ट के साथ में पारित कर दिया। तो ये साथियों बहुत ही प्रमुख सवाल है, जिसने सभी आने वाली पीढ़ी की, हमारी आने वाली नस्लों का स्थायी रोजगार, स्थायी नौकरी का, जो परमानेंट नौकरी का अधिकार था, उनसे छीन लिया। तो ये साथियों फिक्स्टर्म कानून है, इसको याद रखना, ये नौजवानों को भी बताना है, नौजवानों को इसकी जानकारी नहीं है। हमारे जो बहुत सारे बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके माता पिताओं को ये जानकारी नहीं है कि इस तरीके का कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने पारित किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तक इस कानून को, इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। अब दूसरा साथियों, मजदूर की परिभाषा, इस कोर्ट के अंदर जो मजदूर है, मजदूर की जो परिभाषा है, उसके माध्यम से मजदूर के, मेहनत कश वर्ग के बड़े हिस्से को मजदूर की कैटेगरी के दायरे से बाहर कर दिया। इस कोर्ट की धारा 2 ZR 4 में ये लिखा गया, सुपरवाइजरी टाइप का जो वर्क है वो क्या है, वो कैसे निर्धारित होगा, इसके लिए साथियों प्रावधान किया गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसके पहले जो प्रावधान था वो वर्ग के आधार पर था कि किस तरीके का काम करता है। यदि कोई व्यक्ति फिजिकली श्रम करता है, दिन भर दौड़ता है, भागता है, मेहनत करता है, तो श्रमिक है, श्रम कर रहा है तो श्रमिक है। जो ऑफिशियल वर्क कर रहा है, जो टेबल कुर्सी पर बैठा है, जो किसी तरीके का श्रम नहीं कर रहा है, वो सुपरवाइजर है, वो स्टाफ कैटेगरी का आदमी है, इस तरीके का वर्गीकरण था। अब इन्होंने नई परिभाषा इसमें कोड में लेके आए हैं कि जिसका भी वेतन 18,000 रुपये से ज़्यादा है, जिसका वेतन 18,000 रुपये से ज़्यादा है, वो सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर कैटेगरी में चला जाएगा, वो वर्कर नहीं कहलाएगा, वो मजदूर की परिभाषा से बाहर हो जाएगा, जिसका वेतन 18,000 रुपये महीने से ज़्यादा हो जाएगा, जिसका वेतन 18,000 रुपये से महीना से कम है वो मजदूर कहलाएगा। जो मजदूर है, जिसका 18,000 रुपये महीना से कम वेतन है, वो इस कोर्ट के दायरे में आएगा, वो इस कानून के दायरे में आएगा। जो सुपरवाइजर लेवल में चला जाएगा, जिसका वेतन 18,000 रुपये से ज़्यादा होगा, उसके ऊपर ये कोर्ट, ये कानून लागू नहीं होंगे।
वो इस कानूनों के दायरे से बाहर होगा। इसका अर्थ यह है साथियों कि बड़ा वर्ग 18,000 से ऊपर जिनका वेतन है वो मजदूर की दायरे से बाहर होंगे और वो इन कोड कानूनों के दायरे से बाहर होंगे। ये कितना बड़ा धोखा है जिसको हमको साथी समझना है। जबकि साथियों एक बात समझनी है, ये सरकार जो केंद्र की सरकार है, इस सरकार का न्यूनतम वेतन, जो इस केंद्र सरकार के कर्मचारी उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीना सरकार ने घोषित किया अकुशल का। जो ठेका मजदूर है अकुशल है उसका वेतन न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीना है। और यही सरकार ये कह रही है कि 18,000 रुपये महीना जिसका वेतन होगा, 18,000 से ऊपर जिसका वेतन होगा वो जो है सुपरवाइजर बन जाएगा, और इनके केंद्रीय सरकार का कर्मचारी होगा अकुशल कर्मचारी का 18,000 वेतन होगा। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, किस तरीके का कानून में संशोधन किया है, ये हमको समझने की जरूरत है साथियों। तो साथियों एक बहुत ही खतरनाक संशोधन है ये। इस संशोधन से उन्होंने बड़े मेहनत कश वर्ग को मजदूर के दायरे से बाहर कर दिया। वो ये जो कोड बनाए हैं इन कोडों के, इन कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया साथियों। अगला संशोधन साथियों, इस कोड की जो है इस संहिता की धारा 10 में लेआप, छटनी और तालाबंदी, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके बारे में साथी लिखा हुआ है और इस संशोधन में कहा गया है कि जिस कारखाने में 300 श्रमिक से कम श्रमिक होंगे, स्थायी श्रमिक, उन कारखानों के अंदर छटनी करने के लिए और तालाबंदी करने के लिए सरकार से किसी भी तरीके की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका अर्थ क्या होगा साथियों, 300 श्रमिक तक के कारखाने हमारे देश के अंदर लगभग 74% कारखाने हैं, ये ऑफिशियल डाटा है। 74% कारखानों के अंदर सरकार ने ये छूट दे दी है कि कंपनी का जो मालिक है वो कभी भी ले ऑफ कर सकता है, कभी भी छटनी कर सकता है, कभी भी वो तालाबंदी कर सकता है, उसमें सरकार से किसी भी तरीके की अनुमति की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में ये कारखाने मालिक होंगे जिनको ये अधिकार दे दिया कि वो कभी भी छटनी कर सकते हैं, कभी भी लोगों को निकाल सकते हैं, ये अधिकार दे दिया कि कभी भी कंपनी में तालाबंदी कर सकते हैं, और तालाबंदी के बाद जो श्रमिक होंगे उनका क्या होगा उसका कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। उनका वेतन मिलेगा, उनको नौकरी दिलाई जाएगी, उनका नौकरी का ऑप्शन क्या होगा, इस कानून में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। तो क्या होगा उनका, श्रमिकों का बस निकाल दिया जाएगा, धक्के खाते फिरेंगे और वो उनको कोई कानूनी संरक्षण नहीं होगा, उनका कल से चूल्हा बुझ जाएगा, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, तो उनका घर कैसे चलेगा, इसका चिंता नरेंद्र मोदी जी को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है इसका चिंता। आप मरो, आप जो करना है करो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरीके का प्रावधान लेके आ गए। ले ऑफ क्या है, कारखाना कभी भी कारखाना मालिक बंद कर सकता है, ले ऑफ दे सकता है, ये मजदूर क्या करेगा, कहां जाएगा। तो इस तरीके के सीधे प्रावधान इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें दे दिए साथियों। ये बहुत ही घातक है, इसलिए हम कहते हैं कि गुलामी की जितनी बुरी से बुरी व्यवस्था हो सकती है उस व्यवस्था को जन्म दिया है इस कोर्ट के माध्यम से इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसको हमको समझना है साथियों। और इसके पूर्व के जो कानून थे साथियों उसमें ये संख्या 100 थी, 100 से सीधा 300 कर दी। तब की होना यह था कि ये संख्या 100 से घटा करके ये मुश्किल से 10-20 तक लानी थी, इसको कम करना था। कम करने का मतलब कि मजदूरों की सुरक्षा बढ़ानी थी, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर इसके दायरे में आए, इस सुरक्षा को बढ़ाना था। तो बढ़ाने की जगह 100 से सीधा 300 कर दिया, 300 के अंदर पूरी तरीके से सारा छूट दे दिया। तो ये भी साथियों हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके इस कानून को एक तरफा संशोधन किया। और इस संशोधन से साथियों 74% कारखानों में हायर एंड फायर का जो रास्ता है वो खुल गया, लगाव भगाव का रास्ता खुल गया।
अब साथियों अगला संशोधन स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर। कारखाने के अंदर जो पूरे नियम हैं, जो कर्मचारी को कंपनी चार्जशीट देती है, वार्निंग लेटर देती है, सीधा नौकरी से निकाल नहीं सकती है, जो एक जांच कार्रवाई होती है, इसका पूरा नियम, इसका पूरा सिस्टम स्थायी आदेश में होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है। सारी सेवा शर्तों का विवरण स्थायी आदेश के अंदर होता है। तो ये जो स्थायी आदेश के अंदर जो उन्होंने संशोधन किया है, इसको इस कोड की जो अध्याय 4 में लिखा गया है, जिस संस्थान के अंदर 300 स्थायी श्रमिक हैं, उस संस्थान पर ये स्थायी आदेश का सिस्टम लागू नहीं होगा। ये स्थायी आदेश किस पर लागू होंगे? जिस कारखानों में 300 श्रमिक से ज्यादा श्रमिक हैं। 300 श्रमिक तक का मतलब है कि जो 74% कारखाने हैं, वो इस स्थायी आदेश का जो लॉ है, कानून है, उससे बाहर हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, स्टैंडिंग ऑर्डर जो सबसे बड़ा सवाल था कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का, उससे रास्ता खोल दिया कि 74% जो कारखाने हैं उसके अंदर जांच करने का, लेटर देने का, इंक्वायरी बिठाने का, ये सब करने का जरूरत नहीं है। तो ये 74% कारखाने इस दायरे से इन्होंने बाहर कर दिए, जिसमें कर्मचारी के सेवा शर्तों से संबंधित कोई भी कानून, कोई भी नियम लागू नहीं हो। इसमें एक प्रावधान और जोड़ दिया है कि जो 300 का संख्या है, उपयुक्त सरकार यदि चाहे तो इस संख्या को और बढ़ा सकती है। यानी कोई सरकार ये चाहे कि संख्या 300 है, कल को उसको लगता है कि 500 स्थायी श्रमिक वाला जो कारखाना है वो भी इस स्थायी आदेश का जो लॉ है उससे बाहर रहेगा, तो ये संशोधन उपयुक्त सरकार कर सकती है। इसका छूट भी इसके अंदर डाल दिया है। इसका अर्थ ये है साथियों कि ये जो कानून है, ये कुल मिला करके अब ये कहीं लागू नहीं होगा। इस कानून को मान के चलो कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है साथियों, सेवा शर्तों का प्रमुख कानून है, जिसको इस कोर्ट के अंदर इस तरीके से इस सरकार ने डाइल्यूट कर दिया है, इस तरीके से इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है, जिसको हमको साथी समझना है। सब कुछ ख़त्म कर दिया साथियों, सब कुछ ख़त्म कर दिया, बस हमको समझ में नहीं आ रही कैसा समय है साथियों। सब कुछ ख़त्म कर दिया, देश की जनता को कुछ भी पता नहीं है, हमारे नौजवान को कुछ भी पता नहीं है, कितनी सातिर सरकार है ये समझना है साथियों, ये समझना है। वो हम कितने भोले भाले लोग हैं, हम कैसे लोग हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा साथियों। सब कुछ ख़त्म हो गया।